बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। मस्जिद अल हराम में एक मुनफरिद वाक़या पेश आया है। अजान इशा तो एक मुअज्जन ने शुरू की थी, लेकिन उसको मुकम्मल जो है वो दूसरे मुअज्जन ने किया है। इसकी क्या वजह थी और ये क्यों हुआ, ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह दो मुअज्जनों ने एक इशा की अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम की तारीख में पहली मर्तबा इशा की अजान एक मुअज्जन की बजाय दो मुअज्जनों ने मुकम्मल की। मस्जिद अल हराम के सीनियर मुअज्जन अली अल मुल्ला इशा की अजान दे रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई। फौरन ही उनके मुआवन मुअज्जन ने माइक संभाला और उनकी जगह इशा की अजान मुकम्मल की। सऊदी मीडिया के मुताबिक मस्जिद अल हराम में अजान के मुकर्रा निज़ाम के मुताबिक हर फर्ज नमाज के लिए दो मुअज्जन ड्यूटी पर होते हैं। ये इंतज़ाम इसी वजह से किया जाता है ताकि खुदा न खास्ता कोई एक मुअज्जन किसी वजह से पर वक्त ना पहुँच सके या अजान देते वक्त कोई मुश्किल पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में मुतबादल मुअज्जन उसकी जगह संभाल सके। सऊदी मीडिया पर मुअज्जन हरम शेख अली अल मुल्ला का वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अली अल मुल्ला की आवाज़ अजान देते हुए दबी हुई है। अचानक तबीयत ख़राब हो जाने पर यह सूरत हाल पेश आ गई थी। फौरन ही उनकी जगह दूसरे मुअज्जन हरम शेख हाशम अल सगाफ ने अजान मुकम्मल की। मस्जिद अल हराम में अजान का मखसूस निज़ाम है, इसके लिए इंजीनियर्स और दफ्तरी कारकुन तैनात हैं। हरम मक्की में अजान के लिए 24 अफराद तैनात हैं। अजान के इदारे में 140 लोग काम करते हैं। तमाम अपने शोबे में आला डिग्री याफ्ता हैं और बेहतरीन तरबियत हासिल किए हुए हैं। हरम शरीफ में 7000 लाउड स्पीकर्स के ज़रिए अजान की आवाज़ पहुंचती है। हर नमाज के वक्त अजान और तकबीर के लिए लाउड स्पीकर ऑन किए जाते हैं। अली अहमद मुल्ला मस्जिद हराम के सीनियर मुअज्जन हैं। 1366 हिजरी बामुताबक 1945 में मक्का मुकर्रमा के इलाके में पैदा हुए। उनका ताल्लुक मक्का के ऐसे ख़ानदान से है जिसके ज़्यादा लोगों का ताल्लुक मस्जिद अल हराम में मुअज्जज होने का एहसास हासिल है। ये 1975 में अपने चचाजाद शेख अब्दुल मालिक अल मुल्ला के इंतकाल के बाद हरम शरीफ के मुअज्जन बने। 40 साल से मुअज्जन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी आवाज़ मुनफरिद है, पूरी दुनिया में उन्हें बिलाल अल हरम के लकब से याद किया जाता है। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।